हेलो दोस्तों, आ गए हैं आप लोग के लिए चौथी और आखिरी वो लेकर चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग उन वीडियोस को पहले देखिए उसके बाद इनको पढ़िएगा। हालांकि फिर भी हमारा जो डेलीगेशन चैप्टर डेलीगेशन टॉपिक है ये एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आई एम केशव देवरा, दिस इज योर क्लासरूम कॉमर्स कक्षा। चलिए सीखते हैं। माय फ्रेंड्स, डेलीगेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक बेस समझाना चाहता हूँ जिससे कि आपको फील आ सके कि भाई डेलीगेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा काम होता है, कितना ज़्यादा काम होता है। अगर अपने लोग सारे छोटे 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 माइन्यूट कामों को भी जोड़ लें तो मतलब हम कह सकते हैं कि हजारों लाखों काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या उन कामों को मैनेजर्स जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन मैनेजर्स के लिए कर पाना संभव है? कोई एक मैनेजर अगर चाह ले कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम है वो सारा का सारा काम हम ही कर लें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। तो डेलीगेशन समझ लीजिए कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर हालत में एक मैनेजर को अपने जो पावर्स हैं, अपनी जो राइट्स हैं, अपनी जो अथॉरिटी है उसको बांटना पड़ता है। मतलब क्या कि देखिए, एक मैनेजर के लिए, एक ओनर के लिए, एक जो टॉप लेवल का मैनेजर है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे काम खुद कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसको ना चाहते हुए भी, मान लो कि कोई एक ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता है अपना काम बांटना, बट फिर उसको भी बांटना पड़ेगा, उसको भी अपने मिडिल लेवल वाले लोगों को कुछ काम देना पड़ेगा, कुछ काम जो है लोअर वालों को देना पड़ेगा। तो मतलब डेलीगेशन जो है ये समझने आना चाहिए कि आपको कि ये एक ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जो कि कंपल्सरी है, वो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लिमिटेशन है आदमी का कि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। डेलीगेशन का बोलता है कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दे रहे हैं, इंट्रस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को। किसको दे रहे हैं? टू द सबॉर्डिनेट्स। किसको दे रहे हैं? सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी किसको दे रहे हैं? सबॉर्डिनेट्स को दे रहे हैं। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज इंप्लॉइज, और उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हु आर इंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी है उनके ऊपर हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको और अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि एक मैनेजर है वो सारा काम तो कर नहीं सकता है, तो उसको कुछ काम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अथॉरिटीज अपने जो उसके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स, मेरा जो जूनियर है, तो हमको अपने जूनियर्स को कुछ काम डेलीगेट करना पड़ता है। और उसी काम को जो डेलीगेट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। अब इसमें आपको 3 शब्द दिखाई देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा हो तो डरने की बात नहीं है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बोलते हैं, अथॉरिटी किसको बोलते हैं और अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं। बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डेलीगेशन में हम बात किसकी कर रहे हैं। डेलीगेशन में हम बात कर रहे हैं, डेलीगेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो लोग अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े नीचे वाले लोगों को पास कर देते हैं, थोड़े नीचे वाले लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और साथ साथ में एंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डेलीगेशन बोलते हैं। इसका सबसे इसके 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, पार्ट्स या एलिमेंट्स, मैंने यहाँ लिखा एलिमेंट्स, इसके 3 हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म असाइंड ड्यूटी। मतलब कि सबॉर्डिनेट को जो काम मिला है, जो सबॉर्डिनेट को, जो एक जूनियर को काम मिला है, उस काम को उसको करना है, परफॉर्म करना है, प्रॉपरली परफॉर्म करना है। इसी बात को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, बोला कि ले बेटे पैसे ले और जा बाजार से 2 किलो तू आलू ले आ। ठीक है, तो आप बाजार गए और आपने 2 किलो अच्छी आलू खरीद के सही दाम पे ले आए, तो आपको क्या मिला? आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आपको अच्छे से बाजार जाना है, बाजार से आपको 2 किलो आलू खरीदना और आपको वापस उस आलू को घर पर डिलीवर कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी? आपको आपकी मम्मी ने दी। आपकी मम्मी क्या है? आपकी मम्मी जो है वो सुपीरियर है। आप क्या है? आप सबॉर्डिनेट है। आपकी मम्मी बड़ी है, आप छोटे हैं। आपकी मम्मी आपकी बॉस है, आप उनके एम्प्लॉई हैं। तो आपकी मम्मी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बेटा कि जा बाजार से 2 किलो आलू ले आ। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि तुम्हें 2 किलो आलू लेके आना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीचे वाली चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि भाई अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी में सबसे पहले मैंने लिखा है कि अथॉरिटी का मतलब होता है राइट
ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि मैं किसी को ऑर्डर दे सकता हूँ, किसी को कमांड दे सकता हूँ, ये अथॉरिटी है। मान लो कि आपको मम्मी बोल पाई, क्यों? क्योंकि आप मम्मी के बेटे थे। अगर आप मम्मी के बेटे, चाहे मम्मी की बेटी नहीं रहती तो मम्मी आपको थोड़ी बोलती। मान लो एक रोड चलता आदमी को मम्मी थोड़ी बोलेंगी। आप ऐसा एक सीन इमेजिन करो कि रोड चलता एक आदमी है या एक बच्चा है, उसको आपकी मम्मी ने बुलाया और बोला जा जा तू सामान लेके आ। सो दिस नॉट हैपेंस। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या है? मतलब है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। मेरे पास में ये राइट है कि मैं आपको कमांड दे सकती हूँ। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपकी बॉस हूँ। आपकी मम्मी जो है वो तो आपकी बॉस होंगी ना। आपकी मम्मी मुझे कमांड दे सकती हैं क्या? चलो ठीक है, मुझे तो फिर भी दे सकती हैं, मैं आपका टीचर हूँ तो दे सकती हैं। बट रोड चलते एक आदमी को तो आपकी मम्मी कमांड नहीं देंगी। रोड पे कोई छोटा बच्चा जा रहा है, मम्मी उनको थोड़ी बोल के बोल सकती है कि जा तू आलू लेके आ। नहीं, वो आपको बोलेंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मम्मी के पास ये अथॉरिटी है कि मम्मी आपको कमांड दे सकती है। मम्मी के पास ये अथॉरिटी है कि मम्मी आपको कमांड दे सकती है। ठीक है, मम्मी पापा को कमांड दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है। मे बी आज के जमाने में मम्मी लोग देने भी लगे हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी मेरे पापा को कमांड देती हैं। बट मतलब पुरानों में या हमारे उपनिषदों में तो ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें तो क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि पापा को कमांड देना होगा तो पापा किसको कमांड देंगे? मम्मी को देंगे। फिर मम्मी को कमांड देना होगा तो मम्मी किसको देगी? मम्मी जो है आपको, आपकी बहन को, या आप अगर लड़की हो तो आपको और आपके भाई को, इन लोगों को कमांड देंगी। दादी जी, आपकी जो दादी जी हैं वो किनको कमांड देंगी? वो आपकी मम्मी को कमांड देंगी, आपके पापा को कमांड देंगी। आपके दादाजी वो किनको कमांड देंगे? वो आपको पापा को कमांड देंगे। तो ये जो कमांड देने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? ये अथॉरिटी है। मान लो कि मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं रहा भी बहुत टाइम जिस स्कूल में पढ़ा, मैं तो क्या क्लास का मॉनिटर रहा, नहीं तो स्कूल का हेड बॉय रहा। एनीवेज, बट मैं मान लो कि स्कूल का हेड बॉय हूँ या क्लास का मॉनिटर हूँ, तो मैं अपने स्कूल में किसी भी बच्चे को कमांड दे सकता हूँ कि भाई तुम अगर वहाँ पे गए थे, तुम वॉशरूम गए थे, तुमने टैप को ओपन किया है तो तुमको टैप बंद करना पड़ेगा। मैं किसी को भी कमांड दे सकता हूँ। अगर कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, किसी ने जूते जो है, किसी के जूते फटे हुए हैं, वेल पॉलिश नहीं है, तो मैं उसको कमांड दे सकता हूँ कि कल से तुम जो है अपने जूते को पॉलिश कर गया हो, नहीं तो तुम स्कूल में मत आना। ठीक है, ये कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को चुना, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को अपॉइंट किया एज अ हेड बॉय। तो ये जो अथॉरिटी है, कमांड देने का जो पावर है, इसी को बोलते हैं अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अथॉरिटी, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। किसी को भी कमांड दे सकते हैं जिसके ऊपर अथॉरिटी है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है बींग एंसरेबल टू द फाइनल आउटकम। मतलब क्या? जैसे मैं क्लास का मॉनिटर बना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, या मैं स्कूल का हेड बॉय बना, बहुत अच्छी बात है। बट मान लो कि स्कूल में बहुत बदमाशी कर रहे हैं बच्चे, बात नहीं मान रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत शोरगुल हो रहा है क्लास में, तो अब जब टीचर आएगा तो टीचर मेरे से खड़ा करके पूछेगा ना, यार तुम कहाँ थे कि क्लास में इतना हल्ला हो रहा है? केशव, तुम कहाँ थे कि इतना हल्ला हो रहा है क्लास में? तो फिर मेरे को सर को आंसर करना पड़ेगा कि सर वो मैं वॉशरूम गया था, या सर मैं कॉपी सबमिट करने गया था टीचर्स रूम में, तो इसी के लिए बच्चे इतने हल्ले कर रहे थे। मेरे सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है हल्ले करने की। आप ही लोग देखो कितना शांति से मेरे को सुनते रहते हैं। तो फिर हम सर को समझाएंगे, सर हम जो हैं टीचर्स के रूम में गए थे, कॉपीज सारा जमा करना था, इसी के लिए ये लोग मेरे पीछे से हल्ला कर रहे हैं, नहीं तो आपको तो पता ही है कि हम कितना कंट्रोल रखते हैं सबको। तो वो चीज़ है। मतलब क्या? ये आंसरेबिलिटी है, फाइनल आउटकम। मान लो कि क्लास में हल्ला हो रहा है, ये क्या है? ये आउटकम है। क्लास में हल्ला नहीं होना चाहिए था, बट वहाँ पर फिर मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि भाई तुम कहाँ थे जो इतना हल्ला हो रहा है ना। जैसे क्या? जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन का ग्रोथ हो। बट अगर मान लो कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरा एम्प्लॉयमेंट का बहुत घटिया हाल हुआ है हमारी इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आंसरेबल है कि भाई आउटकम्स जो हैं वो अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ द अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल। तो ये तीन हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम इसको कुछ कंपैरेटिव पैरामीटर्स से जज करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कंपैरिजन है ना, ये डेलीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपकी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट मतलब अथॉरिटी को आप दूसरे को दे सकते हो। डेलीगेशन मतलब बेसिकली होता है ना कि दूसरे को पास ऑन करना। तो मान लो कि मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, ठीक है, मेरे पास में अथॉरिटी है, मैं किसी को भी कमांड दे सकता हूँ, किसी को भी डांट सकता हूँ, किसी को भी बोल सकता हूँ। अब मान लो कि मेरे को टीचर्स रूम में कॉपी जमा करने जाना था और टीचर्स रूम जो है वो दूसरी बिल्डिंग में है, तो मेरे को जाने में 5-7 मिनट लगने वाले थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़के को खड़ा किया, बोला कि ठीक है मैं तुमको ये अथॉरिटी देता हूँ, मैं तुमको ये अधिकार देता हूँ कि तुम कोई भी बच्चा जो बदमाशी करे उसको तुम उसके बेंच पे खड़ा करा देना, या उसका तुम नाम नोट कर लेना और फिर तुम आना, तो मेरे को बता, फिर मैं जब आऊँगा तो तुम मुझे बताना, तो मैं उसकी कंप्लेन लगा दूंगा। मैं तुमको ये अधिकार देता हूँ, आई गिव यू दिस अथॉरिटी। जो एक असिस्टेंट मॉनिटर था क्लास का, मैंने उसको ये पावर दे के चला गया। तो एक्चुअली मैं क्लास का मॉनिटर कौन हूँ? मैं हूँ, बट मैं अपनी पावर किसी को भी डेलीगेट कर सकता हूँ। मान लो कि मेरे को एक दिन की छुट्टी चाहिए, स्कूल मैं नहीं जाऊँगा,
तो मैंने टीचर को बोला कि टीचर जो है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मेरे बदले में ये लड़का जो है कल का क्लास संभालेगा, ही विल बी द मॉनिटर। तो क्या है, मैंने अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को डेलीगेट कर दिया ना, आप समझ रहे हैं, मैंने अपनी पावर को किसी दूसरे को पास ऑन कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, इसको डेलीगेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, इंटायरली डेलीगेटेड, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस डिस्कशन, कि ये इंटायरली डेलीगेटेड नहीं हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत तो डेलीगेट हो सकता है, बट इंटायरली ये डेलीगेट नहीं हो सकती, इंटायरली डेलीगेट नहीं हो सकती है। मतलब अब मान लो कि मेरे को कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिला हुआ है, दिस इज ऑब्लिगेशन कि मेरे को परफॉर्म करना ही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म असाइन ड्यूटी। मेरे को प्रॉपरली जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है, ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिला है, कि मेरे को क्लास को एकदम शांत रखना है। अब हम अपना जवाबदेही कैसे डेलीगेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मान लो कि हम, ठीक है, हम पावर तो डेलीगेट कर देंगे, भाई तुम क्लास संभाल लो, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी वो तो अभी भी मेरे ही ऊपर है ना। मान लो मैंने किसी को डेलीगेट कर दिया, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ही ऊपर है। ये अलग बात है कि मैंने चलो शेयर कर लिया कि ठीक है मैं भी क्लास संभाल रहा हूँ, इतने दिन मैंने संभाला, एक दिन चल तू संभाल ले, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन, चलो थोड़ा सा शेयर कर लिया, बट इट कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। इसका पार्ट हम डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती है, पार्ट्स में हल्का हल्का शेयर कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये बोलता है कि कैनॉट बी डेलीगेटेड, कैनॉट बी डेलीगेटेड मतलब क्या, मतलब क्या कि क्लास में बहुत बदमाशी हुई, मैं एक दिन क्लास नहीं आया, मैंने दूसरे बच्चे को, या फिर चलो मैं कॉपी चेक कराने गया था 10 मिनट के लिए, और तब तक में मैंने एक दूसरे मोनिटर को क्लास में मोनिटर बना के गया था। हुआ क्या कि जब मैं वहाँ से आया तो बहुत हल्ला हो रहा था, और टीचर जो आए, टीचर ने देख लिया कि क्लास में बहुत हल्ला हो रहा है, तो टीचर ने पूछा मेरे से, इतने देर में मैं आ गया था, तो टीचर ने पूछा कि भाई क्लास में इतना हल्ला हो रहा था, तो मैंने बोला कि सर हाँ वो मॉनिटर मैंने दूसरे बच्चे को बना दिया था, मेरे को बाहर जाना था कॉपी चेक करने के लिए। तो ये देखो, ये जो आंसरेबिलिटी आई, आंसरेबिलिटी ये तो मेरे ऊपर आई ना, ऐसा थोड़ी है कि सर जो आएंगे, जो टीचर आएंगे, वो दूसरे बच्चे से पूछेंगे, वो तो मेरे से पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा था क्लास में, इतना हल्ला क्यों हो रहा था। तो ये जो आंसरेबिलिटी है, मतलब ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये डेलीगेट नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे को आंसरेबल बना दूँ। एक कंपनी में, मान लो कि एक कंपनी में जो टॉप लेवल का जो मैनेजर है, उसने अपने काम को बहुत सारे लोगों के बीच बांट दिया, ठीक है, उसने अपने काम को बहुत सारे लोगों के बीच बांट दिया। अब क्या हुआ कि अब उससे लॉस हो गया कंपनी को, तो अल्टीमेटली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जब बोर्ड मीटिंग हुई, मतलब जो जनरल मीटिंग हुई, तो जनरल मीटिंग में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही पूछेंगे ना, कंपनी के डायरेक्टर से पूछेंगे ना कि भाई तुम क्या कर रहे थे कि कंपनी को लॉस हो गया, कहाँ थे। वो थोड़ी बोल सकता है कि मैंने तो अपना अधिकार जो है वो अपने 5 छोटे छोटे इंप्लॉइज को दे दिया था। अल्टीमेटली आंसर तो उसी को करना पड़ेगा। वो अपना राइट दे दे वो अलग बात है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बहुत शेयर कर ले वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली आंसर तो उसी को करना पड़ेगा सबको, कि भाई तुम क्या कर रहे थे कि कंपनी को लॉस हो गया। आज कंपनी में लॉस होता है बहुत सारे इंप्लॉइज की वजह से, ठीक है, बट अल्टीमेटली जवाब तो उसी को देना पड़ता है जो कंपनी का जो मेन है, कंपनी का जो हेड है, कंपनी का जो CEO है, उसी को देना पड़ता है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अराइज कैसे होती है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कहाँ से है, या अथॉरिटी जो है वो आती कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले अथॉरिटी कहाँ से आती है, फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। जैसे क्या, जैसे कि मान लो कोई कंपनी का जो CEO है, उसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा पावर्स आ गए, या कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसके पास कंपनी का सबसे ज़्यादा पावर आ गया। आपके फैमिली में जो आपके दादाजी हैं, जो सबसे बड़े हैं फैमिली में, जो सबसे बड़ा पोस्ट है दादाजी, उनके पास में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा कमांड दे सकते हैं, वो किसी को भी कमांड दे सकते हैं। आपके दादाजी आपके पापा को भी बोल सकते हैं, आपकी मम्मी को भी बोल सकते हैं, आपके दादी को भी बोल सकते हैं, आपको भी बोल सकते हैं, आपकी बहन को भी बोल सकते हैं, आपके भाई को भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं दादाजी। क्यों? क्योंकि वो दादा हैं, वो हेड हैं, वो सबसे ऊपर पोस्ट में है, वो फॉर्मल पोजीशन उनका क्या है, सबसे ऊँचा है। सो दैट इज़ वाई कि हम लोग कहते हैं अथॉरिटी जो है वो कहाँ से आती है, वो फॉर्मल पोजीशन से आती है। ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब मान लो कि कुछ काम था, कुछ ऐसा काम था, जैसे घर का मेंटेनेंस कराना, ये किसका काम है, ये घर के सबसे बड़े हेड का काम है, दादाजी का काम है। बट दादाजी क्या है, थोड़े से बीमार हो गए हैं, चलते फिरते कम है, मतलब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो थोड़े बीमार हो गए हैं। तो दादाजी ने क्या बोला, दादाजी ने आपके पापा को बुलाया और बोला कि देख जो बेटा, मेरी तो तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, ऐसा करो कि घर का जो है रिनोवेशन कराना है, तो तुम सब रिनोवेशन वगैरह का ध्यान दे दो, तुम रिनोवेशन करा लो। तो ये क्या है, डेलीगेटेड अथॉरिटी। आपके दादाजी ने अपनी अथॉरिटी, अपने पावर अपने बच्चे को दे दिया, आपके पापा जी को दे दिया, बोला कि भाई तू करा ले पूरा घर का रिनोवेशन। या फिर मान लो कि बाजार से सब्जी लानी थी, मम्मी को लाना था, बट मम्मी ने आपको बोल दिया,
तो आपके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना कि आपको अच्छे सब्जी खरीद के बाजार से घर पे लेके आना है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक्चुअली में पावर किसके पास है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ के पास है, बट उसने क्या बोला कि चलो ठीक है यार परचेस का काम तू संभाल ले, परचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, परचेस की जवाबदेही तेरी। तो उसने क्या किया, उसने अपने पावर को डेलीगेट कर दिया। एक्चुअली में सारा काम किसको करना है, कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के डायरेक्टर को, बट उसने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डेलीगेट कर दिया। तो दिस इज वॉट वी कॉल कि जो फॉर्मल पोजिशन से आती है अथॉरिटी और डेलीगेटेड अथॉरिटी से आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आती है भाई कि अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिसके जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो कि आपके दादाजी ने आपके पापा को बोला कि भाई चल तू सब चीज़ रिनोवेट करा ले, ये करा ले, वो करा ले, ठीक है। रिनोवेशन कराने का एस्टिमेटेड कॉस्ट था मान लो 5,000 रुपये या 50,000 रुपये, और आपके पापा जी ने पता नहीं क्या हुआ उनको मार्केट में ठग लिया गया। भगवान न करे कि किसी के पापा को ठगा जाए, बट ठीक है आपके पापा थोड़े सीधे थे, मेरे पापा बहुत सीधे हैं, तो वो मार्केट गए, उनको जो दुकानदार था वो समझ गया कि ये आदमी सीधा है, उसने 50,000 का सामान को 1,00,000 में आपके पापा को बेच दिया, आपके पापा ठगा गए। तो देखो आपके पापा के पास में जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ से आई, वो तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई ना। पहले ना पापा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ना उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी, ना उनके पास में कोई पावर्स थे और ना उनको किसी को जवाब देना था। ये रिनोवेशन का काम किसका था, दादाजी का था, बट अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ गई, वो अकाउंटेबिलिटी पापा को कहाँ से आ गई, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ गई। दादाजी ने बोला कि भाई देख तुम ये जो भी रिनोवेशन का काम है तुम संभालो, तो पापा के पास में फिर जवाबदेही भी आ गई, पापा को अब जवाब भी देना पड़ेगा दादाजी को, है ना। ऐसे ही मान लो कि मैंने वो एग्जांपल जो बताया था आपको, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसमें आप सब्जी लाने गए हो, मान लो कि आप सब्जी लाने जाते ही नहीं तो आपसे हिसाब नहीं लिया जाता कि भाई मान लो मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया, बोला कि जा बेटा 2 किलो आलू ले आ, तो आपको मम्मी ने 100 रुपया दिया, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जा तो 2 किलो आलू ले आ, फिर जब आप आलू लेके आए तो फिर मम्मी आपसे जवाब पूछेगी ना कि भाई कितने रुपए लगे हैं, 100 रुपये में कितने रुपए लगे हैं, कितने रुपए प्रति किलो करके आपको आलू दिया गया। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी आती है ये कहाँ से आती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। अब ये मैंने फ्लो डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये फ्लो कैसे करता है। अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अथॉरिटी सबसे ज़्यादा किसके पास, ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, फिर कर लेते हैं। अथॉरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके पास रहती है, कंपनी के टॉप लेवल के पास। तो वो टॉप से मिडिल, मिडिल से बॉटम, बॉटम से वर्कर, ऐसे फ्लो करती है, मैंने ऊपर से नीचे की ओर जाती है अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी किन कहाँ से जाती है भाई, अकाउंटेबिलिटी जाती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। कैसे कि सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल, मतलब जैसे आपको जवाब अगर देना है कि भाई सब्जी कितने रुपए की मिली, कितने रुपए में लेके आए, तो आप किसको बताओगे, आप मम्मी को बताओगे। मम्मी को अगर बताना है भाई, मम्मी को पैसे लेने हैं पापा से, तो मम्मी किसको बताएगी, पापा को बताएगी। पापा किसको बताएंगे, पापा दादाजी को बताएंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये कैसे फ्लो करती है, ये नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी कैसे फ्लो करती है, ये भी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। भाई सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जैसे नीचे के जो लोग हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो ऊपर के वाले के प्रति जवाबदेह हैं, सबसे ज़्यादा जवाबदेही उनको है। जो बीच वाले हैं वो किन के लिए, वो और ऊपर वाले के लिए। मतलब ये जो है नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है, ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी फिर से एक बार रिकैप कराया है। सो दिस वॉज समथिंग अ बेसिक डिस्कशन अबाउट डेलीगेशन, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में, हमने अभी डेलीगेशन पढ़ लिया कि डेलीगेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इसके फायदे क्या है, क्योंकि कोई भी काम का कुछ ना कुछ फायदा होगा तभी तो उस काम को करते हैं ना। तो डेलीगेशन से फायदा क्या होता है, सबसे पहले क्या फायदा बताया कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो पाती है। क्यों इफेक्टिव हो पाती है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो कि डेलीगेशन में हमने क्या पढ़ा, डेलीगेशन में हमने पढ़ा कि भाई मैनेजर जो है वो अकेले सब काम नहीं कर सकता है, तो वो बहुत सारे काम को अपने छोटे छोटे लोगों को दे देता है। मतलब अपने नीचे वाले को बोला कि भाई तुम लोग ये कर लो, फिर उसने उसको बोला, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इससे इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि आप समझो कि अब मैनेजर ही सारा काम करने लग जाए तब तो ऑफिस बात है कि बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो अब वो क्या करता है, वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने काम को बोलता है कि भाई तू कर ले, वो बोलता है कि भाई तू कर ले। तो इससे क्या होता है, एक तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है कि जो मान लो कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड करेगा, उसने प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ाई की है। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है तो वो मार्केटिंग वाला लोग करता है क्योंकि उसने मार्केटिंग की पढ़ाई की है। तो एक तो स्पेशलाइजेशन बेनिफिट मिलता है, दूसरा कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। क्यों फ्री हो जाते हैं, ऐसे उनके ऊपर में एक प्रेशर रहता है कि भाई मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। अब वो लोग फ्री हो जाते हैं कि वो सिर्फ पॉलिसी से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े काम हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें वो लोग सिर्फ कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको रिलीफ कर देता है कि भाई तुम फालतू का चीज़ छोड़ो, तुम जो मेन कोर चीज़ है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, उस सब चीज़ों में तुम दिमाग लगाओ। फिर क्या, इम्प्लॉय डेवलपमेंट, इससे इम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है भाई,
जैसे देखो आपके फैमिली में क्या होता है कि जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग जाते हो, वैसे वैसे जैसे 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 आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पापा लोग देते हैं। इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि मम्मी आपको तैयार करती रहती हैं, जब आप 4-5 साल के छोटे बच्चे रहते हो तो, और अब क्या है कि अब आप खुद तैयार हो जाते हो, खुद नहा धो लेते हो, खुद कपड़े वपड़े पहन लेते हो, खुद तैयार हो जाते हो। वैसे ही क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इनिशियल लेवल पे सब काम जो है उसके टॉप लेवल के लोग करते हैं। टॉप लेवल के लोग जो है वो बताते हैं कैसे करो, ये करो, वो करो, बट धीरे धीरे जब आप स्पेशलाइज्ड होने लग जाते हो, धीरे धीरे जब आप उन चीजों को करने लग जाते हो, तो फिर क्या है, आप खुद ही उतने डेवलप्ड हो जाते हो, उतने एक्सपर्ट, उतने ट्रेंड हो जाते हो कि आप खुद चीजों को कर लो। तो इससे क्या है कि इम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट हुई। मान लो कि कोई ऐसा डिसीजन जो मैनेजमेंट को लेना था बट उसने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने नहीं लिया, उसने मिडिल वाले ने लिया, तो इससे क्या है कि मिडिल वाले का भी डेवलपमेंट होता है। अब मान लो वो डिसीजन जो है वो अच्छा साबित हो गया, तो मिडिल वाले की भी खूब बढ़ाई हुई, उसको एक कॉन्फिडेंस भी आया कि यार मैंने डिसीजन लिया था और उस डिसीजन से हम लोगों को इतना फायदा हो गया। फिर क्या है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। कैसे मिलता है भाई, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारा चीज जो टॉप लेवल है वही करता है, बीच वाले को कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ जो रूटीन लेवल का झाड़ू पोछा साफ सफाई वाला काम है वो करना है। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो बीच के लोग हैं वो लोग भी डिसीजन लेते हैं, वो लोग भी बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो कहाँ पे लोग मोटिवेटेड होंगे। देखिए जॉब में मोटिवेशन भी बहुत बड़ी चीज है। आज मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई देख रहे नहीं देख रहे, बट मैं बना रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर मोटिवेशन है, तभी तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का छोड़ के बैठ गया रहता। बट मेरे अंदर में मोटिवेशन है कि नहीं मेरे को करना है, तो वैसे ही जो है मोटिवेशन ऑफ इंप्लॉइज भी बूस्ट हो जाता है डेलीगेशन से। उनको लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, हम भी डिसीजन ले सकते हैं, मेरे अंदर भी अथॉरिटी है, इसी के लिए वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग फ्री रहते हैं, वो लोग दिन भर यही सोचते हैं कि भाई हम अपना एक्सपांशन कैसे करें, हम अपना ग्रोथ कैसे करें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ भी होती है। फिर क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, हमने जब मैनेजमेंट हायरार्की पढ़ा था, एक बहुत बड़ा सा मैंने आपको पिरामिड या एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि ऊपर टॉप लेवल के लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल के लोग होते हैं, फिर बॉटम में ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का हायरार्की बना है ये भी डेलीगेशन से ही बना है। क्यों डेलीगेशन से बना है, क्योंकि एक मान लो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो उसमें क्या है, उसमें एक ही आदमी है। जैसे आज मेरी कंपनी या मेरा ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप लोग ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, इसमें क्या है कि मेरी कंपनी में झाड़ू पोछा भी मैं ही करता हूँ, मेरे कंपनी में वीडियोस भी मैं ही शूट करता हूँ, उसको एडिट भी मैं ही करता हूँ, एक दो फ्रेंड्स हैं जिनका थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिलता है, बट ठीक है, मेजोरिटी जो चीज़ें हैं उस रोल पे मैं ही हूँ। बट मान लो कि आज मैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाऊँ, बहुत बड़ी मैं एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊँ, तो क्या होगा कि मैं सिर्फ पॉलिसी से रिलेटेड काम करूंगा या फिर सिर्फ आप लोगों को आके वीडियो लेक्चर दूंगा। अभी क्या है कि लाइट की सेटअप भी मैं ही करता हूँ, रूम में झाड़ू वगैरह लगाना है वो भी मैं ही लगाता हूँ, एक छोटे से रूम में तो मैं रहता ही हूँ, एक पेइंग गेस्ट में या एक फ्लैट टाइप में, एनीवेज ठीक है। तो आप समझे, इससे क्या है कि ये बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की भी डिस्क्राइब करता है। क्यों, क्योंकि उसी से पता चलता है ना कि भाई सबसे टॉप पे कौन है, फिर उसके मिडिल में कौन है और बॉटम में कौन है। और क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाता है। क्यों अच्छा हो पाता है, क्योंकि अब हमने एकदम सिस्टमेटिकली सब चीज़ों को बनाया हुआ है, सिस्टमेटिकली हमने डिवाइड किया हुआ है, मेरा काम मैंने किसी को डेलीगेट किया हुआ है, उसने किसी को डेलीगेट किया हुआ है, तो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन भी हमारा इनहेंस हो जाता है डेलीगेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा डेलीगेशन का पोर्शन था। अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप लोग का शब्द सुना हुआ होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसी शब्दों को मैं और बेटर आप लोगों को डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए कि भाई सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पढ़ा हमने, हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा, जब हम लोग पढ़ रहे थे हेनरी फेयल साहब का प्रिंसिपल्स, तो वहीं पर हमने पढ़ा था। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। जनरली क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही सारी पावर्स होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि जितने भी पावर्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है वो कंसंट्रेटेड अगर हो जाती है कुछ चंद हाथों में। जैसे कि मैंने आपको अपने गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे देश की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या है कि मोदी जी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, इन दो चार लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। आज आरबीआई से रिलेटेड कुछ काम होता है वो भी मोदी जी करते हैं, कुछ और फाइनेंस से रिलेटेड काम है आरबीआई से काम है वो भी मोदी जी करते हैं, ट्राई का कुछ रिलेटेड काम है, कुछ रेगुलेशन, कुछ टेलीकॉम्स वगैरह के लिए कुछ रेगुलेशन लाना है वो भी मोदी जी करते हैं, कोई नया पुल बना उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं, है ना, संसद में लोगों को एड्रेस करना है वो भी मोदी जी करते हैं, कोई रैलियां करना है वो भी, सब चीज मोदी जी कर रहे हैं। कोई भी आप फील्ड ले लो, तलाक का कुछ मामला है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आना है, उसको भी मोदी जी बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसी चीजें हो रही है। तो ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें सारी की सारी अथॉरिटीज एक ही आदमी के पास है। मान लो कि
कि हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के जो पापा हैं वो बहुत थोड़े गुस्से वाले हैं, है ना, तो मतलब गुस्से वाले हैं या ऑटोक्रेटिक स्टाइल है उनका, सब चीज वो खुद ही करते हैं, घर का छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डिसीजन आपके पापा ही लेते हैं। तो जब अगर ऐसा कुछ आपके परिवार में आपकी फैमिली में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। किस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाद बाकी जितने भी हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ आता नहीं, वो सब लेबर हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। तो वहां पे क्या, वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ही सारे डिसीजन लूँ, मैं ही सारी चीजें करूँ, वही ज्यादा अच्छा है। जो खाली लेबर क्लास के काम है वो लोग लेबर लोग करें, डिसीजन वगैरह से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब मैं ही करूँ तो ज्यादा अच्छा है। तो सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब होता है, हमारा मेजोरिटी पोर्शन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो पहली चीज है वो क्या है, पहली चीज इसकी मीनिंग पे अगर अपन चर्चा करेंगे, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन मींस, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या कि हर छोटे छोटे जो लेवल्स होते हैं हमारे, टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसके बाद में फिर जो बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल है उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बोलते हैं कि रेफर्स टू इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपनी अथॉरिटी की सिस्टमैटिक एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, माने हर लोगों को जितना जितना थोड़ा थोड़ा जरूरत है उतना उतना अपना अथॉरिटी दे रहे हैं, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज वॉट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा सा आप लोगों के मन में डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के को लेकर डाउट आएगा, बट वो मैं एड्रेस करूंगा, इसी के लिए सब चीज क्लियर हो जाएगा। पहले ये पढ़ते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, इसका इंपॉर्टेंस भी लगभग वैसा ही है जैसे कि डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि भाई आप जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी आप पावर दे रहे हो कि वो लोग भी कुछ डिसीजन ले सके, वो लोग, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी आ जाए। तो इससे क्या, इनिशिएटिव्स भी डेवलप होता है। जैसे मान लो कि मैंने सबॉर्डिनेट को बोला कि भाई देख, तुमको अगर कुछ ऐसा चीज दिखे जहां पे शॉर्ट शॉर्ट कंपनी का प्रॉफिट हो तो तुम वो डिसीजन ले लेना, मेरे से पूछना मत। तो ये क्या, ये डिसेंट्रलाइजेशन है भाई, छोटे छोटे जो डिसीजन है वो तुम भी ले लेना जिसमें तुमको लगे कि हमारा फायदा है। तो इससे क्या है ना कि कई दफा जब टाइम नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो जो सबॉर्डिनेट है उसको अगर लग रहा है कि ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है तो वो खुद ब खुद डिसीजन ले लेगा, खुद ब खुद एक इनिशिएटिव उसके अंदर से आएगा कि नहीं भाई मेरे को ये काम करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि इससे इनिशिएटिव डेवलप होता है। और क्या, डेवलप्स मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मान लो कि सारे के सारे डिसीजन आप खुद ही ले रहे हैं, सारा का सारा काम आप खुद ही कर रहे हो, तो जितनी भी मैनेजर मैनेजमेंट करके जो आपको स्किल्स या जो एक्सपीरियंस आपको गेन हो रहा है वो सिर्फ आप ही को हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड आपने मान लो कि प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा से छोटा स्टाफ जो है उसके पास भी पावर है कि वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन वो खुद ले सके। तो इन दैट केस क्या होता है कि उसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती है, उसके अंदर भी मैनेजेरियल स्किल्स आते हैं, मैनेजेरियल इफिशियंसी उनकी इंक्रीज होती है। तो जो फ्यूचर के लिए हमको मैनेजर चाहिए, मान लो कि एक जो बंदा कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजर है वही तो जीवन भर कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो जो फ्यूचर की जो मैनेजमेंट स्किल्स है या मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमारी फुलफिल होती रहती है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब मान लो कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, या चलो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें मान लो कि वो लोग जियो का जो है नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जियो का सब लोग सिम यूज कर रहे हैं, उसी से आप लोग शायद वीडियो देख रहे होंगे। तो मान लो कि रिलायंस जियो के किसी एक छोटे से ऑफिस में एक कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, ठीक है, एक छोटा सा कोई अकाउंटिंग वगैरह का कंप्यूटर था उसमें कोई वायरस आ गया। तो अगर उसमें वायरस आया, अब उस वायरस के लिए एंटीवायरस लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिसीजन क्या अगर मिस्टर मुकेश अंबानी जी लेने लगे तो रिलायंस चल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे तो लाखों प्रॉब्लम्स आएंगे रोज के रोज, लाखों करोड़ों प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस कि ऐसे लाखों प्रॉब्लम्स रोज के रोज आएंगे। तो क्या है, हो सकता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कंपनी का ऐसा पॉलिसी हो कि जो कंपनी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको अगर लगता है कि कंप्यूटर हमारा लैग कर रहा है या कंप्यूटर स्लो हो गया तो हम उसमें एंटीवायरस डाल दें, जो 400-500 रुपए का खर्चा है वो कंपनी उसको रीइंबर्स कर देगी। तो इससे क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हुआ। मान लो कि अगर उसी में एक प्रोसीजर बना हुआ होता हो कि नहीं आपको अपने हेड को रिपोर्ट करना है, वो अपने हेड को रिपोर्ट करेगा, वो अपने हेड को रिपोर्ट करेगा, वो अल्टीमेटली अंबानी जी को रिपोर्ट करेगा और फिर अंबानी जी उस पर साइन करेंगे तब जाके वो उसमें एंटीवायरस लगवा पाएगा। अगर इतना लंबा प्रोसेस होता तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और हो सकता था कि तब तक में पूरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता। तो ये क्या है ना कि जब अपन डिसेंट्रलाइज्ड वे में फॉलो करते हैं सिस्टम तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, जो छोटे छोटे डिसीजन है वो बहुत तेज हो जाता है। उसके बाद क्या, रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। अभी इसी एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर सकते हो कि मान लो कि 1 लाख डिसीजन हैं ऐसे छोटे मोटे, और वो 1 लाख में से 1 लाख को डिसीजन अगर मुकेश अंबानी जी को लेना है तब तो वो तो समझ लीजिए कि सुसाइड कर लेंगे वो अगले दिन अंबानी जी। क्यों भाई, क्योंकि इतना छोटा छोटा डिसीजन वो क्या लेंगे, अरे ठीक है यार कंप्यूटर में वायरस लग रहा है तो आपको एंटीवायरस लगाना ही पड़ेगा,
तो इससे क्या है कि टॉप मैनेजमेंट को भी रिलीफ मिलता है अगर आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो। क्यों? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे डिसीजन तो जो छोटे इंप्लॉई है वही ले लेंगे। हम क्या लेंगे, हम तो जो बड़ा डिसीजन है, जो पॉलिसी वाला डिसीजन है, पॉलिसी की लेवल की जो चीजें हैं हम वो करेंगे। फिर क्या है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे हमारा ग्रोथ भी होता है क्योंकि हम डिसीजन क्विक लेते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज है उनको हम कैप्चर कर पाते हैं, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होते हैं फालतू के, टाइम जो है कम्युनिकेशन में नहीं लगता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है ना, टाइम नहीं लगता है, और जो छोटे छोटे डिसीजन लेके जो एडवांटेज लेना है वो हम लोग लेते हैं, दैट्स व्हाई ग्रोथ जो है वो अच्छा होता है। और क्या, कंट्रोल भी अच्छा होता है। मान लो एक ही बंदे को सारा डिसीजन लेना है, सब चीजें करनी है, सब चीज खुद कंट्रोल करना है, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट ऑन द अदर हैंड आपने बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे लोगों को अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो दिस इज वॉट वी कॉल की चलो ठीक है, अब इससे हमारा जो कंट्रोल है वो अच्छा हो जाता है। मतलब क्या, मतलब कि अब एक लोग जैसे 5 हेड्स को देखने के लिए एक सुपर हेड है, पांचों हेड के अंदर 10-10 लोग काम करते हैं और एक हेड को 10 लोग को देखना है, जो भी 10 लोग हैं उनके अंदर में फिर 5-5 लोग की ग्रुप्स काम करते हैं और उनको उनको देखना है, तो दिस इज समथिंग कि जिससे कंट्रोल अच्छा होता है। क्यों भाई, क्योंकि आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, अब छोटे छोटे डिसीजन सबको लेने हैं और 10 लोगों को देखने वाला एक हेड है, वैसे 10 हेड को देखने वाला एक सुपर हेड है, वैसे 10 सुपर हेड को देखने वाला एक उनका भी हेड है, उनको देखने वाला एक उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऐसे करके डायरेक्टर्स में भी 10 डायरेक्टर है, उनको देखने वाला एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल अच्छा हो पाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब एक यहाँ पे मैंने छोटा सा चीज बनाया है भाई, छोटा सा मैंने फिगर टाइप का कुछ बनाया है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आज ये डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन जो हमने पढ़ा इसमें अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे डायरेक्टर को कोई काम करना है, ऐसे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारा काम हमारी कंपनी में डायरेक्टर को ही करना है क्योंकि कंपनी की सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल तो यही है, डायरेक्टर ही है। बट एक्चुअली में क्या होता है, मान लो डायरेक्टर ने अपना काम डेलीगेट कर दिया, बोला कि भाई प्रोडक्शन हेड तू कर ले प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, प्रोडक्शन हेड ने बोला कि ठीक है मेरे पास तो प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत काम है, तू प्रोडक्शन मैनेजर मेरा काम, मेरा ये वाला पर्टिकुलर काम तू कर ले। प्रोडक्शन मैनेजर बोला कि ठीक है और सब काम तो मैं कर लूंगा, बट जो देखो कि मशीन वशीन का जो ध्यान रखना है वो तू सुपरवाइजर रख ले। सुपरवाइजर बोला कि ठीक है यार मशीन वशीन का ध्यान रखना तो ठीक है, बट वर्कर्स को जो ट्रेनिंग देनी है जिससे कि वो लोग मशीन नहीं खराब करें वो तू कर ले फोरमैन। फोरमैन ने क्या बोला कि भाई ठीक है मशीन ऑपरेटर को मैं समझा देता हूँ कि वो मशीन का कैसे ध्यान रखेगा। तो ये जो फ्लो है, मैंने डायरेक्टर ने अपने पावर्स जो है प्रोडक्शन हेड को दिए हैं, प्रोडक्शन हेड्स ने अपने पावर प्रोडक्शन मैनेजर को दिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने पावर सुपरवाइजर को दिए, दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड डेलीगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। डेलीगेशन में बेसिकली एक आदमी की पावर जो है वो 2 आदमी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है कि चल मेरा काम तू भी कर ले, मेरा काम तू कर ले, मेरा काम तू कर ले, अपना काम मिलकर कर लेते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स देखो, अथॉरिटी तो इसने इसको दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा मूव हो गया, बट अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी तो इसी के ऊपर है ना, एंसरेबिलिटी तो इसी के ऊपर है। तो वही है, डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को दिया, दिस इज वॉट वी कॉल डेलीगेशन। प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को दिया, इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। बट डायरेक्टर के पास में जो इतनी सारी अथॉरिटी थी, इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी पावर थी, ये अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होते होते पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल गई। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थोड़ी थोड़ी पावर्स हैं, थोड़ी अथॉरिटीज हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब समझ में आया, मतलब कहने का मतलब कि डायरेक्टर की पावर अगर 2 लोगों में बट रही है, डायरेक्टर किसी और को भी इंडल्ज कर दे रहा है अपने ग्रुप में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेलीगेशन। बट डायरेक्टर के पास जितनी पावर्स थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितना काम था, वो डिसीजन लेने की क्षमता, वो अथॉरिटी सबके पास चली गई, थोड़ी थोड़ी जितना जिसको जरूरत था, सिस्टमैटिकली, इवनली, सिस्टमैटिकली सबके पास है थोड़ी थोड़ी, जितना जिनको जरूरत था, जितना सिस्टमैटिकली होना चाहिए था वो अगर सबके पास में चला गया, दिस इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ की पावर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चली गई इस डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ की पावर इसमें गई, इसकी पावर इसमें गई, इसकी पावर इसमें गई, इसकी पावर इसमें गई, इज व्हाट वी कॉल्ड डेलीगेशन। ठीक है, सो हेयर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग इज कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अगर आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, मे बी आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा हो, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर आपका असिस्टेंस करने की कोशिश करूंगा, जरूर आपको असिस्ट करूंगा कि आपकी सब चीजें ठीक हो जाए। वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे जितने फ्रेंड्स हैं सबको भेजिए चैनल का लिंक, उनको बोलिए कि चैनल विजिट करें, देखें, सीखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, एक अच्छा से अच्छा इंसान बन सके अपने लाइफ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दिस इज केशव देरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ग्रेट डे हैड, एंजॉय।